सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीटीसी डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बताऊँगा। प्रीवियस ईयर 2021 में जो है जनरल कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते थे उनके कितने जो है परसेंटेज पे जो है एडमिशन हो गया था। तो आपको पता ही है 10+ में 12+ में आपका ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज होते हैं उन्हीं को जो है काउंट करके आपका जो है मेरिट बनता है। तो जनरल कैटेगरी की मैं आपको बता दूं, और इस बार जो है कट ऑफ कम जाने वाली है जनरल कैटेगरी की। इसके पीछे का रीज़न ये है गाइज कि ज़्यादातर जो मार्क्स वाले जो स्टूडेंट थे वो इस बार जो है बीएड में चले गए हैं, और कुछ स्टूडेंट आप विश्वास नहीं करेंगे बीएड से फिर से वो डीएलएड में आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि कुछ स्टेट में तो जो है प्राइमरी के लिए बीएड को एलिजिबल कर दिया गया है, बट कहीं पर जो है ये पेंडिंग है, मतलब कि अभी तक जो है फाइनल नहीं हुआ है कि बीएड वाले प्राइमरी में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस वजह से कुछ स्टूडेंट जो है वो प्राइमरी टीचर ही बनना चाहते हैं। तो जनरल कैटेगरी के मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर तो मैं आप जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे उनका जो है 235 से अबव पर ही हुआ था गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन, क्योंकि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 10,600 के आसपास सीटें हैं, ठीक है, और मेन सिटी में हमेशा कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो मैं आपको जो है वो उसका लिस्ट भी दिखा दूंगा जो मैंने रिकॉर्ड किया था। प्रीवियस यूपी डीएलएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो है हर साल लिस्ट जारी किया जाता है, तो उसको मैंने रिकॉर्ड करके जो है अपलोड किया था, तो उसका लिस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, सो डेट आपको जो है प्रूफ हो जाएगा कि कितने पे जो है गवर्नमेंट डाइट मिला था। तो इस साल की अगर हम बात करें तो कम से कम कितने होने चाहिए, तो कट ऑफ जो है इस बार जनरल कैटेगरी की कम जाएगी, बट ये है कि कम से कम आपके गाइज अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 230 तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है, 230 आपके होने चाहिए 10th 12th+ में ग्रेजुएशन के मार्क्स को जो परसेंटेज को ऐड कर, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर थी वो 225 से अबव गई थी, जिनके 225 से ज़्यादा थे उन्हीं का एडमिशन हो पाया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि इस साल जो है अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 220 से ज़्यादा होने चाहिए, 210 नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट डाइट में सीटें कम हैं, और ऐसा नहीं कि कट ऑफ हाई जाएगी, बट इस बार जो है चांसेस है कि कम जाने के, बट इस बार 220 से तो आपके कम नहीं होने चाहिए। एससी एसटी की अगर हम बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर वे स्टूडेंट जिनके जो है लगभग 200 के आसपास थे उनका गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन हो गया था, एसटी कैटेगरी जिनके 190 थे उनका हो गया था। तो इस बार आप एससी कैटेगरी से अगर जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो उनके जो है कम से कम 200 आपके होने चाहिए, ठीक है, एसटी के लिए जो है 190। जो स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप है उनका जो है लगभग 170 पर हो गया था प्रीवियस ईयर, तो कम से कम आपके 170-160 से ज़्यादा होने चाहिए। फ्रेंड्स, ये आगरा डाइट का जो है मैंने रिकॉर्ड करके जो है अपलोड किया था, तो अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं कि कितने मार्क्स वाले को जो है कितना रैंक है और उनको जो है कौन सा डाइट जो है अलॉट हुआ है, तो इसमें जो है आगरा डाइट का मैंने बताया है यूपी बीटीसी कट ऑफ 2021 आपको सर्च करना है प्रीवियस ईयर का, तो ये वीडियो आ जाएगी और इसको आप जो है देख लीजिए। एंड अगर आप फ्रेंड्स अगर आपने जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है एंड आप चाहते हैं दिल्ली से डीएलएड कोर्स करना, तो दिल्ली से आप जो है डीएलएड कोर्स कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, आपके 12th क्लास के मार्क्स बेस पे एडमिशन होता है, और यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 75,000 रुपये है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 15,000 रुपये है टोटल 2 ईयर के, और ये सभी फीस जो है आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, मतलब कि मंथली ऐसे 9,000 से कुछ आसपास, ठीक है। और अगर आपके जो है 12th क्लास में जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं 90% से ज़्यादा मार्क्स है तो आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, एंड 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एससी एसटी के लिए 85 से ज़्यादा होना चाहिए, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ से कर सकते हैं डीएलएड, और यहाँ पर 15% जो सीटें हैं वो रिजर्व की जाती है। जून जुलाई में सीबीएसई 12th क्लास का रिजल्ट आने के 5 से 10 दिन बाद जो है स्टार्ट होता है एडमिशन। एससीईआरटी दिल्ली एडमिशन के नाम से ऑफिशियल वेबसाइट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।